यहां 15 साल पहले असम में गोगोई जी के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले हिंसा थी, गुस्सा था, क्रोध था, लोग मर रहे थे, खून बह रहा था, आंसू बह रहे थे और असम की जो शक्ति थी वो जाया हो रही थी। प्रगति नहीं थी, स्कूल नहीं बन रहे थे, अस्पताल नहीं बन रहे थे, सड़कें नहीं बन रही थी, गुस्सा था, लड़ाई थी और बाकी प्रदेश आगे बढ़ रहे थे, असम वहीं का वहीं फंसा हुआ। कांग्रेस पार्टी आई, गोगोई जी चीफ मिनिस्टर बने और असम में कांग्रेस पार्टी ने शांति लाने का काम शुरू किया। आस्ते 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 हिंसा खत्म हुई, खून आंसू खत्म हुए और असम ने आगे बढ़ने का काम शुरू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में असम को अवार्ड मिला है, बाकी प्रदेशों से सबसे आगे सड़क बनाने में असम निकल गया है। अस्पताल बने, 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने, 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला, आमदनी बढ़ी। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लोगों को जोड़ने का काम किया, सबकी सुनी, सबको जगह देने की कोशिश की, इज्जत दी और जोड़कर इस प्रदेश को हम आगे ले गए। चुनाव आने वाला है, बीजेपी के लोग एक बार फिर यहां भाषण देने आए हैं। 2014 में जब चुनाव था लोकसभा का, तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने आपसे वायदे किए, कहा था 15 लाख रुपए हम हर बैंक अकाउंट में डालेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यहां कोई एक व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में मोदी जी ने 15 लाख रुपए डाल के दिखाए? कोई एक है यहां पे जो कह सकता है हां मुझे नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए दिए? कांग्रेस पार्टी में मनरेगा लाई, भोजन का अधिकार लाई, कमजोर लोगों को हमने योजनाएं दी, जो टी वर्कर्स हैं उनसे आज राशन छीनने का काम कौन कर रहा है? किसने बंद किया है आपका राशन? फिर से बोलो, नाम नहीं सुनाई दिया, किसने बंद किया है टी वर्कर्स का राशन? नरेंद्र मोदी जी ने। तो इधर आते हैं, कहते हैं असम को बदल दूंगा, चमका दूंगा और फिर गरीबों से पैसा छीनते हैं। मनरेगा हम लाए, पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, कहते हैं बेकार योजना है, मैं इसको बंद करना चाहता हूं, मगर बंद नहीं करूंगा क्योंकि कांग्रेस की गलतियां दिखाना चाहता हूं आपको। भोजन के अधिकार को बंद करने की कोशिश करते हैं और फिर यहां आके वायदा करते हैं कि मैं असम को बदल दूंगा। कहा था कि असम के युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। यहां एक युवा है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कोई रोजगार दिया? एक है यहां पे? एक नहीं मिलेगा आपको। और आप देखो, नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े भाषण करते हैं, मेक इन इंडिया, कनेक्ट इंडिया, हिंदुस्तान को साफ करो, हर 10 दिन एक नया नारा निकलता है, मगर उनकी फोटो गरीब आदमी के पास आपको कभी नहीं दिखाई देगी, वो आपको गरीब व्यक्ति को मिलते हुए कभी नहीं दिखाई देंगे, किसान से बातचीत करते हुए कभी नहीं दिखाई देंगे,
मजदूर के हाथ पकड़ते हुए कभी नहीं दिखाई देंगे। और आज क्या हो रहा है, हमारे समय पेट्रोल के दाम $150 प्रति बैरल थे, आज $30 प्रति बैरल है। जो पहले पेट्रोल खरीदने में जाता था, आज वो पैसा सरकार के हाथों में है। आप दाल खरीद रहे हो ₹200 की, महंगाई से दुखी हो, मगर उस पैसे का ₹1 आप तक नरेंद्र मोदी नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ चुने हुए उद्योगपतियों का काम करते हैं, या आपका नहीं काम करते हैं। कहा था महंगाई कम कर दूंगा, आप मुझे बताओ महंगाई कम हुई या नहीं? कितने की है दाल आज? ₹200 की। मगर मोदी जी के भाषण में ये कभी नहीं सुनाई देगा। पहले जो उन्होंने कहा महंगाई के बारे में, रोजगार के बारे में, उनके मुंह से नहीं निकलेगा, वो सिर्फ कल की बात करते हैं। कल मैं ये करूंगा, परसों मैं ये करूंगा, नर्सों मैं ये करूंगा, आज क्या करोगे आप? आपके पास पैसा है, हिंदुस्तान की सरकार है, कांग्रेस पार्टी ने स्पेशल स्टेटस दिया था आसाम को, आप यहां आए, आपने भाषण दिया और फिर स्पेशल स्टेटस आसाम के गरीब लोगों से छीन लिया। जो पैसा पहले आता था वो भी आपने ले लिया। अब असेंबली का चुनाव है तो यहां आओगे और नए वायदे करोगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक काम करो, पहले जो आपका पुराना वायदा था ₹15 लाख का, वो पूरा करो। बीजेपी के लोग करते क्या है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जहां भी चुनाव होता है जाते हैं, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, गुस्सा फैलाते हैं, क्रोध फैलाते हैं। सत्ता में आते हैं तो गरीबों के लिए इतना भी काम नहीं करेंगे, सबका सब काम, सबका सब पैसा उनके चुने हुए 5-6 उद्योगपतियों को तोहफा दे देते हैं। ये लो भैया, आप भी लो, सब लो, मगर ₹1 उसमें से गरीब को नहीं मिलेगा। भोजन के अधिकार में ₹1 नहीं जाएगा, मनरेगा में ₹1 नहीं जाएगा, छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे दुकान वालों को ₹1 नहीं जाएगा। कुछ दिन पहले मैं हैदराबाद गया, हैदराबाद में एक बच्चे ने, एक युवा ने आत्महत्या की, रोहित वेमुला ने, दलित लड़का था, उसके दिल में दर्द था, कष्ट था, उसके लिए वो लड़ रहा था। कुछ नहीं किया उसने, कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ जो अपने दिल के अंदर बात थी वो बाहर बोलता था। हिंदुस्तान के मंत्रियों ने यूनिवर्सिटी में ऑर्डर दिया कि यह देशद्रोही है, इसको यूनिवर्सिटी से निकालो, इसको खत्म करो। इतना दबाव डाला उन्होंने उस पर कि हिंदुस्तान के एक युवा ने आत्महत्या की। IIT में युवा खड़े होते हैं, कहते हैं कुछ दलितों के बारे में, कुछ कहते हैं, हिंदुस्तान की सरकार कहती है देशद्रोही है।
जेएनयू के प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छा भाषण दिया, 20 मिनट का भाषण दिया। उसमें उसने गरीबों की बात की, कमजोर लोगों की बात की, प्रगति की बात की, आदिवासियों की बात की। बीजेपी की सरकार क्या करती है, उसको देशद्रोही कहती है और अरेस्ट करती है। तो जहां भी युवा आरएसएस के खिलाफ बोलता है, उनकी विचारधारा के खिलाफ बोलता है, उसे वो कहते हैं ये देशद्रोही है। देशभक्ति का लाइसेंस की दुकान खोल रखी है आरएसएस ने। सिर्फ वो कह सकते हैं देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है, और ये लोग हैं कौन? ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी के सीने में 3 गोलियां मारी थी। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के सामने माफी मांगते थे, और आज ये हमें कहते हैं कि भैया हमसे लाइसेंस लो देशभक्ति का। मुझे इनकी लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, देशभक्ति मेरे खून के अंदर है, और मुझे इनकी कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। और मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं, जितना आप हिंदुस्तान के युवा को दबाओगे, जितना आप इस देश पे अपनी एक विचारधारा थोपने की कोशिश करोगे, उत्तर हिंदुस्तान का युवा आपके सामने खड़ा होकर आपको टक्कर देगा, यह आप भूलो मत। असम में आते हैं आरएसएस के लोग, कहते हैं एक विचारधारा होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में एक विचारधारा होनी चाहिए। अगर एक विचारधारा होगी तो आपकी भाषा का क्या होगा, आपके इतिहास का क्या होगा, आपकी हिस्ट्री का क्या होगा, आपके जो गुरु हैं उनका क्या होगा, आपके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका क्या होगा। हिंदुस्तान के हर प्रदेश में, हिंदुस्तान के हर कोने में अलग अलग विचारधाराएं हैं, सबकी इज्जत करनी है। असम के इतिहास को, संस्कृति की इज्जत करनी है, और इसको दबाना नहीं है, इसलिए यहां कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और यही काम हम हर प्रदेश में करते हैं, हर कोने कोने में करते हैं, हर गांव में करते हैं। आजादी का क्या मतलब, अगर आरएसएस हिंदुस्तान की आवाज छीन ले, देश का क्या मतलब अगर एक कमरे में 10-15 लोग निर्णय ले कि भैया देश को क्या कहना चाहिए, देश को क्या पहनना चाहिए, देश को क्या सुनना चाहिए, देश के युवा क्या सोचे, कौन लोग हैं ये? सिर्फ सत्ता चाहते हैं, सिर्फ आपसे आपकी शक्ति छीनना चाहते हैं, यही इनका काम है, और हम इनको एक इंच नहीं देंगे। अब बिहार गए, बिहार में पाकिस्तान की बात करते हैं, बिहार का चुनाव हो रहा है, पाकिस्तान की बात हो रही है। नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस पार्टी खड़े हो गए और कहा भाई आओ मैदान में। मोदी जी आए, ऐसे ही भाषण किए, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, बिहार में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। 2014 में भी एक बार सुन लिया, बिहार की जनता ने सुना, मगर भाषण के बाद ताली नहीं बजी। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा भैया ताली की नहीं बज रही, ये क्या हो रहा है, ताली नहीं बज रही है जैसे अभी बज रही। उनके लोगों ने उनको कहा फुल मेजोरिटी आएगी, बीजेपी का राज होगा। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी एक बार बिहार नहीं गए, भाग गए उधर से।
क्यों? क्योंकि बिहार की जनता ने उनको कहा, बिहार में बिहार के लोग राज करेंगे नरेंद्र मोदी जी, बिहार में आरएसएस राज नहीं करेगा, बिहार में हमारी भाषा है, हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, और नीतीश जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। आप जाइए, जो आपने वायदे किए थे उनको पूरा करिए, यहां मत आइए भाई, जाइए वापस। और नरेंद्र मोदी जी चले गए। अब आप देखना, यहां चुनाव आएगा, बड़े बड़े भाषण होंगे, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, कहेंगे मैं आसाम को बदल दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं फिर ये करूंगा। चुनाव होगा, 30-35 मीटिंग होंगी, कांग्रेस पार्टी और गोगोई जी जबरदस्त तरीके से चुनाव जीतेंगे, और फिर नरेंद्र मोदी जी जाएंगे दिल्ली में, और 2019 तक वो आपको यहां नहीं दिखाई देंगे। और यही काम हम उनके साथ हर प्रदेश में करने वाले हैं, असम में करेंगे, पंजाब में करेंगे, उत्तर प्रदेश में करेंगे, जहां भी ये लोग जाएंगे हम उनसे कहेंगे, देखिए आप जाइए, जो आपने वायदे किए थे दिल्ली में पूरे करिए, असम में असम की सरकार चलेगी, आरएसएस की नहीं चलेगी, आप यहां हमारे कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं, और यहां हम सबको लेकर चलते हैं, सब धर्म को, सब जात को, युवाओं को, बुजुर्ग लोगों को, महिलाओं को, विधवाओं को, सबको लेकर चलते हैं, और यही आपकी शक्ति है, यही आपके इतिहास में लिखा है। ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये कोई नई चीज नहीं है, असम में भाईचारे के साथ, प्यार के साथ आप हजारों सालों से जी रहे हो। यहां सरकार बननी चाहिए सबकी, हर धर्म की, हर जात की, युवाओं की, बुजुर्ग लोगों की, विकलांगों की, सबकी बननी चाहिए, दो तीन उद्योगपतियों की नहीं, आरएसएस की नहीं, और सबकी बात सुनी जानी चाहिए, सबसे कमजोर व्यक्ति की बात सुनी जानी चाहिए, दिल खोल के उसकी बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सब में होता है, जानकारी सब में होती है, ये आरएसएस की मोनोपोली नहीं। तो आप जाइए, चुनाव के समय इनको समझाइए असम का मतलब क्या होता है, असम का इतिहास क्या है, इनको समझाइए, और इनको वापस भेजिए। आप सब यहां आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आए असम, जय हिंद।